फाउंडेशन और सरकार के द्वारा लगभग 30,000 युवकों को स्वरोजगार रोजगार से जोड़ा। नर्सिंग का कोर्सेज सिर्फ महिला या लड़कियां नहीं करेंगी, अब लड़के लोग भी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये सरकार का स्थानीय संस्थाओं में 75% और 40,000 रुपए से कम वाले वेतनमान के लोगों को यहां के लोगों को रखना। अब हमने ये निर्णय लिया है, अब पंचायत स्तर में भी दवा की दुकानें खुलेंगी और लोगों को दवा का, अगर आप स्किल्ड है तो आप कभी भूखा नहीं मर सकते। आज यहां परेजा फाउंडेशन के इस प्रांगण में परेजा फाउंडेशन की ओर से नर्सिंग आईटीआई कौशल कॉलेज के छात्राओं के बीच नियुक्ति पत्र के इस समारोह में हमारे साथ उपस्थित कल्याण विभाग के हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय चंपई सोरेन जी, उपस्थित हमारे सचिव गृह सचिव बन्ना दादिल जी, यहाँ उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे, नगर विकास सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त और परेजा फाउंडेशन के सीईओ कल्याण चक्रवर्ती जी, यहां पर उपस्थित फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यगण, और आज इस फाउंडेशन के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त हमारे छात्राएं और बड़ी संख्या में उपस्थित इस फाउंडेशन में ट्रेनिंग प्राप्त कर रही छात्राएं, आज के शुभ अवसर के लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। परेजा फाउंडेशन और राज्य सरकार मिलकर इस राज्य में यहां के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लगातार कैसे ये वर्गों में स्वावलंबी आए, उनके बच्चों में कैसे स्वावलंबी आए, इसके लिए प्रयासरत है। मुझे बताया गया है और जो मैं थोड़ी बहुत जानकारी भी ली है, अभी तक में फाउंडेशन और सरकार के द्वारा लगभग 30,000 युवकों को स्वरोजगार रोजगार से जोड़ा गया है। मुझे याद है कि सरकार बनने के बाद से कोरोना के वैश्विक महामारी, जिसको शायद हम कभी भुला नहीं पाएंगे, उस दौरान में भी फाउंडेशन के तरफ से प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अंदर लगभग 500 बच्चियों को नर्सिंग का नियुक्ति पत्र दिया गया था।
और आज और वो भी नियुक्ति पत्र हम ही ने वितरण किया और संयोग से आज ये सौभाग्य पूरा हमें प्राप्त हो रहा है। उस समय ये कार्यक्रम हमारे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आयोजित था और आज प्रजा फाउंडेशन के इस प्रांगण में पुनः 500 बच्चों को नर्सिंग में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित है। झारखंड प्रदेश देश के अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। और इस राज्य में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं। जीविका के लिए कई चुनौतियां इस राज्य के हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। गरीबी भी बहुत बड़े पैमाने पर इस राज्य में है। जब हमने इस राज्य का बागडोर संभाला उसी समय से हमारी ये सोच रही है कि इस राज्य के हर एक घर के आर्थिक आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो इसका रास्ता निकाला जाए। कोरोना के वैश्विक महामारी में लाखों लोगों का इस राज्य से दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश के लिए जाना किसी को यह अंदाजा भी नहीं था। कि 15 लाख से भी अधिक राज्य के लोग बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। वैसे अलग अलग राज्यों में जाना मना ही नहीं है। अच्छी आमदनी के लिए अच्छे काम के लिए अलग अलग राज्यों में आना जाना लोग करते हैं। मेरा यह मानना है कि मनुष्य को अगर दो पैर मिला है तो वो पैर चलने के लिए ही मिला है। अगर ये पैर चलना बंद हो जाए तो आपकी और पूरे देश का पूरे राज्य का हर चीज रुक सा जाएगा। कहा जाए कि इन पैरों के चलने से ही अर्थव्यवस्था की पहिए भी घूमते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान ने ईश्वर ने हमें दो पैर दो हाथ दो कान दो आंख नाक मुंह और छोटा सा बुद्धि दिया है जिसका उपयोग हमें हमेशा करना चाहिए। अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं और बेकार बैठे रहते हैं तो मनुष्य के नहीं जानवर की श्रेणी में कहा जा सकता है। और यही मेरा फोकस रहा है कि
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे गति दिया जाए और हमारे नौजवानों को कौन सा ऐसा हुनर दिया जाए जिससे वो काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सके और अपना रोजगार कर सके। तो हम लोगों ने अलग अलग वर्गों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों से हमारे यहां आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे वर्तमान बूढ़े बुजुर्ग सभी लोगों के लिए क्या कार्य योजना होना चाहिए वो हमने तैयार करना शुरू किया और आज इसको लेकर बड़े पैमाने पर जो हमारे सहयोग और इस काम के लिए हम लोगों ने कई सहयोगियों को भी अपने साथ जोड़ा, उदाहरण के तौर पर आज प्रजा फाउंडेशन है, इनको पता है कि कोरोना काल में किस तरीके से सरकार और फाउंडेशन मिलकर काम कर रही थी और किस तरीके से लगातार उस समय भी जहां हमारे उस समय टेस्टिंग लैब जो हुआ करता था, आईसीएमआर का जो गाइडलाइन के साथ और बड़े उन्नत तकनीक के जो लैब होते थे उसको स्थापित करने का, बड़ी बड़ी मशीनों को खरीद कर इस संक्रमण से बाहर निकलने का उपाय ढूंढा जा रहा था। आपने देखा होगा कि कई राज्यों में कई सूचना तंत्र के माध्यम से खबरें सुनी होंगी कि कई राज्यों में लोग इस तरीके से इस कोरोना में मरे जैसे जानवरों में, जैसे बर्ड फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू होता है, इस तरीके से जब ये बीमारियां फैलती हैं तो लाखों की संख्या में जानवर एक साथ मर जाते हैं। उसी तरीके से कोरोना में भी कई लोगों की जानें चली गईं। वहीं इस राज्य में सरकार के संवेदनशीलता के साथ हम लोगों ने कोई अफरा तफरी नहीं होने दिया, बल्कि अपने मजदूरों को अलग अलग राज्यों से ला ला करके घरों में रखने का काम किया। कोई कोरोना पीड़ित लोग आ रहा है उसको भी स्वस्थ करने का काम किया गया और इस मामले में इस राज्य के सभी क्षेत्रों में हमको बहुत बड़ा सहयोग मिला, खासतौर पर हमारी जो महिला समूह की दीदियां हुआ करती हैं उनका सहयोग मिला। आप सबको मालूम था कोरोना में हाट बाजार, दुकान, गाड़ी मोटर सब बंद था, आप लोग का ट्रेनिंग रनिंग भी बहुत जगह सारे बंद थे, कॉलेज बंद थे, लेकिन उस समय उन महिलाओं ने, जहां मजदूर तबके के लोग रहते हैं, अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं करेंगे तो उनका घर का चूल्हा नहीं जल पाता है, परिवार भूखा रह जाता है, ऐसे हालत में हमने पूरे राज्य में उन महिलाओं दीदियों का साथ लेकर गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, प्रखंड-प्रखंड में मुफ्त अनाज बना-बना करके लोगों को खाना खिलाने का काम किया था ताकि कोई लोग भूख से ना मरे। कम से कम रोजगार तो मिलेगा नहीं, और उस दिन पता चला कि स्वास्थ्य किसी राज्य के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसा वक्त में कोरोना राज के अंदर आना, जहां ढंग का अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, कई
चीजों से स्वास्थ्य विभाग खुद ग्रसित। लेकिन जैसे ही ये धुंध छटने लगा, हम लोगों ने भी अपनी गति बढ़ाने प्रारंभ की, लोगों तक पहुंचने का, उनको एक राह दिखाने का, उनको अपने पैरों में खड़ा करने का। और आज उसका परिणाम है कि हजारों की संख्या में आज हमारे इस राज्य में नर्सेस बनकर के बच्चियां तैयार हो रही हैं। अभी भी मैं कुछ चीजों की जानकारी ले रहा था, यहां हमारी बच्चियां सिर्फ नर्सिंग की कोर्सेस कर रही हैं, हमने बहुत पहले कहा था, लेकिन शायद इसको थोड़ा सा लोगों तक संदेश नहीं जाने का वजह रहा हो कि अब ये नर्सिंग का कोर्सेस सिर्फ महिला या लड़कियां नहीं करेंगी, अब लड़के लोग भी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये सरकार का सोच है, इसमें कोई बंदिश नहीं है, लड़के भी कर सकते हैं। और ये बहुत जल्द हम अब इसको शुरू करेंगे कि लड़कों में भी नर्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उन लोगों को मौका मिले। क्योंकि मैं देखता हूं, आपको मालूम होना चाहिए, भारत में पहला ये राज है जहां आज इस राज के मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा करके रखी है। इसको लेकर अभी कुछ दिनों में जो चेन्नई का अपोलो समूह है, उनको भी हम लोगों ने यहां पर निमंत्रण दिया है, वो भी यहां अपने भव्य अस्पताल स्थापित करने के लिए उन्होंने सहमति जताई है। बहुत जल्द उनका भी यहां एक बड़ा अस्पताल बनके तैयार होगा। इसके अलावा हम लोगों ने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को भी अपने साथ में लिया है, जहां भव्य मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बनने की तैयारी होगी, जहां हमारे बच्चे बच्चियां बड़े पैमाने में इन अस्पतालों में अपना रोजगार सृजन कर सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही टाटा कैंसर हॉस्पिटल हम लोगों ने उद्घाटन किया है। मैं चाहूंगा प्रजा फाउंडेशन के सदस्यों से कि अपने बच्चों का जो आप ट्रेनिंग देते हैं, उनका रिपोर्ट भी आप उनको उन जगहों पर दें, ताकि आप हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चियां अधिक से अधिक यहाँ पर के जो संस्थाएं हैं उसमें उनको रोजगार मिल सके। और हमने पहले ही निर्णय लिया बनाया हुआ है, अपना निर्णय लिया हुआ है, या स्थानीय संस्थाओं में 75% और 40,000 रुपए से कम वाले वेतनमान के लोगों को यहां के लोगों को रखना है। तो इसलिए संस्थाएं भी आपके लिए तैयार हम कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग लें, बहुत जल्द आपके लिए वो संस्थाएं में आपको मौका आजमाने का, भाग्य आजमाने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ अभी हमने ये भी कहा है, जल्द से जल्द यहां पर जो लेबोरेटरीज टेस्टिंग के जो लैब, जो पैथोलॉजी लैब्स होते हैं, इसकी ट्रेनिंग के सेंटर्स चालू करें, ताकि बच्चे अपने अपने जगहों पर स्वरोजगार के क्षेत्र में भी, अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पता चला कि कोई पैथोलॉजी लैब नहीं है, खून का जांच, पेशाब का भी जांच करना हो तो बड़े शहर में जाना पड़ता है। आज क्यों नहीं प्रखंडों के स्तर में हो, पंचायतों के स्तर पर हो। और एक जानकर आपको खुशी होगी कि आज ग्रामीण व्यवस्था में धीरे धीरे जो हमने कार्य योजना तैयार किया है, झारखंड का गांव कैसा है आपको बताने का जरूरत नहीं है। जंगल, पहाड़, पठार, अजीबोगरीब हम लोग का भौगोलिक बनावट है, तो चुनौतियां भी वैसे रहती है,
कई बार अखबारों में आप देखते होंगे कि मरीजों को खटिया में उठा के लाना पड़ रहा है, बैलगाड़ी में ढो के लाना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा है, दवा के अभाव में लोग छोटा छोटा बीमारी पे सर्दी खांसी बीमारी से भी लोग की जाने चली जाती है, मलेरिया जैसे बीमारी से भी लोग की जाने चली जाती है। और छोटा हो बड़ा हो, अगर किसी का तबीयत खराब हुआ, दवा के लिए उसको आवश्यकता है दवा, तो या तो प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था या तो जिला हेडक्वार्टर जाना पड़ता था, और वो भी 5 बजे शाम के बाद तो सारा कुछ बंद। अगर हम चायबासा का टोंटो गांव का नाम ले, गुदड़ी गांव का नाम ले, वहां तो 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद लोग सड़क पे भी नहीं दिखेगा, ये हालत है। लेकिन अब हमने ये निर्णय लिया है, अब पंचायत स्तर में भी दवा की दुकानें खुलेंगी और लोगों को दवा का मदद मिलेगा। अभी हाल में अभी चतरा जिला में मैं गया था कुछ दिन पहले, पहली बार 2 पंचायतों में हम लोगों ने पंचायत स्तर में दुकानें खोलने का ये दिया है, परमिशन दिया है, जहां 2 नौजवान अपना दुकान खोलेंगे। दवा दुकान खोलने का पहले नियम होता था फार्मेसिस्ट का डिग्री होना जरूरी है, और ये पता नहीं कब का कानून है, समझ से परे, जब लोग दवा मिला मिला करके लोगों को दवा देते थे खाने के लिए, उस समय का ये कानून है। अब तो दवाई क्या चीज का है, टेबलेट क्या चीज का है, इंजेक्शन क्या चीज का है, सिरप क्या चीज का है, वो सारा चीज तो उसके डब्बे में लिखा रहता है, तो इसके लिए फार्मासिस्ट होने के लिए क्या जरूरत है भाई? इसके लिए तो कोई भी 11th-12th का बच्चा पढ़ सकता है, इंटर का बच्चा पढ़ सकता है, डिग्री कोई ग्रेजुएट लड़का भी पढ़ सकता है, उसको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो जो पढ़ने लिखने जानता है वो भी दवा दुकान खोल सकता है, सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो दवा का दुकान खुला है तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उसमें कुछ न कुछ कड़ी जुड़ता जाएगा, चाहे नर्स हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे कुछ हो, इससे जुड़े विषय हो। तो दवा को लेकर जो आए दिन हो हल्ला होता था, अब इसको आपके गांव के स्तर पे स्थापित करने का हमारा सोच है, और एक मेडिकल सर्किट बनाने का भी कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था से जो पंचायत में गांव में दवा दुकान चला रहा है उसको डॉक्टरों से भी कनेक्ट करेंगे, ताकि कोई भी मरीज आए अगर उसको कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत ऑनलाइन उस डॉक्टर से सलाह लेकर के उसको दवा उपलब्ध करा सकता है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने ये शुरू किया है, अभी प्रजा फाउंडेशन के तरफ से यहाँ एक भव्य फूटी में लगभग 300 करोड़ से अधिक योजना की एक कौशल विकास कॉलेज खोला जाएगा, जहाँ देखिए आज के दिन में तकनीक बहुत जरूरी है, तकनीक की शिक्षा आपको बहुत जरूरी है। आज लगभग सभी लोग, चाहे गाड़ी मोटर बनाने से लेके आदमी का ऑपरेशन तक, मशीनें करने लगी हैं। आज मजदूरों को भी हमें अपना स्किल बनाना पड़ेगा। आजकल बिल्डिंग में जो प्लास्टर लगता है, जो हम राजमिस्त्री देखते हैं ना, वो आज के दिन में राजमिस्त्री का जगह मशीन ले चुका है, वो प्लास्टर भी अब मशीन है,
मशीनें करने लग गई हैं, तो हमारे मजदूर को मशीन चलाना आएगा तब ना वो प्लास्टर करेगा मशीन से। आज के दिन में सब रोबोटिक सर्जरियां होती है। हमारे बच्चे इस तकनीक में दक्ष होंगे तभी तो उन रोबोटों का कैसे इस्तेमाल होगा वो जान पाएंगे। इसके लिए स्किल होना सबसे आवश्यक है। अगर आप स्किल्ड हैं तो आप कभी भूखा नहीं मर सकते। तो इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी आप लोगों ने यहां शिक्षा ग्रहण किया है, ट्रेनिंग ली है और आज इस प्रजा फाउंडेशन में सिर्फ नर्सिंग का नहीं बल्कि अलग अलग ट्रेड का भी ट्रेनिंग बच्चों को दिया जा रहा है, जैसे खाना बनाने को लेकर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, वेल्डिंग को लेकर। आप सबको पता है, तुम सब जितने भी हमारे बच्चे यहां पर, इस राज्य में बिजली तो सब कोई जानता है। सबके गांव गांव में बिजली चला गया, सबके घर में बिजली चला गया, लेकिन इस राज्य में जो ट्रांसफार्मर जलता है, आए दिन हम लोग हो हल्ला करते रहते हैं, ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद हम लोग फिर सरकार की कर्मचारियों के पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर लगाओ। वो भी किसी तरीके से 2-4-5-10 दिन के अंदर ढूंढ ढांड करके कहीं से लाता है और लगा देता है। इस राज्य में ट्रांसफार्मर रिपेयर करने की दुकानें नहीं है। पूरे राज्य में अगर 2-4 दुकानें हैं तो हैं। अगर गांव गांव, पंचायत पंचायत, शहर शहर में ढेर सारा ट्रांसफार्मर रिपेयर करने का दुकान खुल जाए, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल तो पंचर होता है, अगर एक तो पंचर दुकान रहेगा पूरे राज्य में या पूरे रांची में, तो बताइए क्या होगा उस दुकान का या आपका साइकिल का। अगर गांव का पंचायत पंचायत में अगर ये दुकानें रहती, जैसे जलता तुरंत बना करके लगा देता। तो हम लोग इस तरीके से भी चीजों को देख रहे हैं कि क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। आज सांप काटने से लोगों की जानें चली जाती हैं और दवा दुकान में ही रह करके एक्सपायरी हो जाता है सरकार के दवा दुकान में। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दुनिया भर का दुकान में दवा एक्सपायरी होके फेंकने की आवश्यकता पड़ जाती है। लोग हैं उसका उपयोग करने के लिए, लोगों को जरूरत है, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं, पहुंचा नहीं पाते हैं। और यही सोच के साथ हम लोगों ने पंचायत स्तर पर, गांव के स्तर पर दवाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, ताकि उन दवा का भी उपयोगिता हो और सरकार का खामखा पैसा भी बर्बाद ना हो।